थिएटर, सिनेमा और फिर छोटे पर्दे पर अपनी गहरी छाप छोड़ने वाली सुरेखा सीकरी को भला कौन नहीं जानता। अपनी मझी हुई एक्टिंग से सुरेखा ने हमेशा ही हर किसी को अपना दीवाना किया है। आज इस नायाब एक्ट्रेस का निधन हो गया है। फिल्मों में कमाल करने के बाद सुरेखा को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी कलर्स के सीरियल बालिका वधू से मिली। इस शो के दादिशा के किरदार ने उनको बुलंदियों पर पहुँचाया था। शो में उनका कड़क मिजाज लोगों को खूब पसंद आया। सुरेखा का जन्म 19 अप्रैल 1945 को नई दिल्ली में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। सुरेखा के निधन पर हम आपको उनकी कुछ बातों से रूबरू करवाते हैं। सुरेखा का बचपन से सपना था कि वो बड़ी होकर पत्रकार या लेखक बने, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सुरेखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तभी एक बार वहाँ एक दफ़ा अब्राहम अलकाजी साहेब अपना एक नाटक लेकर पहुँचे। नाटक का नाम द किंग लियर था। इस नाटक का सुरेखा पर इतना असर हुआ कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेने का मन बना लिया। NSD में एडमिशन के लिए वो फॉर्म भी ले आई थी, लेकिन वो कई दिनों तक वैसे का वैसा ही पढ़ा रहा। फिर एक बार माँ के कहने पर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने फॉर्म भरा, ऑडिशन दिया और 1965 में उनका सिलेक्शन भी हो गया था। इसके बाद इस दिल्ली की लड़की ने फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा था। वो पल सभी को याद है जब 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी को फिल्म बधाई हो में दादी के दमदार रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया था। अपने करियर के इस खास पुरस्कार को पाने के लिए सुरेखा सीकरी जब व्हील चेयर पर अवार्ड लेने पहुंची तो उन्हें सम्मान देने के लिए लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। ये पल सुरेखा और उनके फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। सुरेखा सीकरी ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया, जैसे किस्सा कुर्सी का, सलीम लंगड़े पे मत मरो, लिटिल बुद्धा, नसीम, सरदारी बेगम, सरफरोश, दिल लगी, हरी भरी, जुबैदा, मिस्टर एंड मिसेज अरियर, रेनकोट, हमको दीवाना कर गए, देवडी और बधाई हो जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। एक्ट्रेस को 2018 की शुरुआत में पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से वो काफ़ी समय से एक्टिंग से दूर हो गई। महाबलेश्वर में शूटिंग के दौरान सुरेखा बाथरूम में फिसल गई थी और उनका सिर वहीं दीवार से टकरा गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी।